ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। कई दोस्तों ने हमसे ये सवाल पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद क्या वो अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को ऑयलिंग कर सकते हैं, क्या हम मसाज कर सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं, अपने बालों पर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो डॉक्टर आपको सारा पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि आपको क्या करना है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद और क्या नहीं करना है, चंद दिनों तक, चंद हफ्तों तक और चंद महीनों तक। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इस चैनल पर बताया हुआ है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, आपको कौन से फूड्स लेने हैं ताकि आपका हेयर ग्रोथ बेहतर हो सके, आपका स्लीपिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, क्या आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर को कलर कर सकते हो नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अब चलिए जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने बालों को ऑयलिंग कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हो, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब हम मेनोक्सिडिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मेनोक्सिडिल में सबसे ज़्यादा मात्रा अल्कोहल की होती है, जिसकी वजह से हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं। इसलिए आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग आपके बालों को शाइन देता है, आपके हेयर ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन हाँ, ऑयल को चूज़ करते टाइम बहुत आपको सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि मार्केट में कई तरह के कॉस्मेटिक ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कुछ आपके बालों को सपोर्ट तो करते हैं और कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट भी आपके बालों पर होता है। तो इसके चूज़ करने में आपको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। चलिए आज हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। प्लांट करवाने के बाद आप अपने बालों को बिल्कुल ऑयलिंग कर सकते हो, लेकिन जो आपका डोनर एरिया है, यानी कि जहाँ से बाल लिए गए हैं पीछे के एरिया से, वहाँ पर हील होने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप वहाँ पर हल्का हल्का ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही साथ रेसिपिएंट एरिया, यानी कि जो आपका जहाँ पर बाल लगाए गए हैं, या फिर मिड में या फिर क्राउन में, यानी कि अपने हेड को मसाज देना ज़रूरी है, ऑयल मसाज देना ज़रूरी है, तो आप रेसिपिएंट एरिया पर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10 से 12 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने के बाद ही ऑयल का इस्तेमाल अपने हेयर्स पर करना चाहिए। और कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, इस मामले में आपको आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा नारियल तेल, कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल आपके बालों को अच्छी नॉरिशमेंट देता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, आपकी ग्रोथ को बेहतर बनाने में आपकी मदद भी करता है। तो जब भी ऑयल का इस्तेमाल करना हो तो मार्केट से ऐसे वैसे ऑयल का इस्तेमाल ना करना, बादाम का तेल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल अपने बालों को मसाज करने के लिए, अपने हेड मसाज के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।